कोई सपने दिल में जगाए, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए साथिया ना सता, मेरे सपने ना चुरा। अब मैं चाहता हूं कि कम से कम आयला की शादी जो है वो किसी तगड़े पैसे वाले बंदे से हो जाए। कम से कम वो तो है शराम की जिंदगी गुजारे ना। तुम एक उजड़ लड़के हो, पता नहीं क्या समझते हो खुद को। बड़े बड़े घरों के लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं मुझे सिर्फ बात करने के लिए। मैं बड़े घरों का लड़का नहीं हूँ। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ वहाँ सारे अमीर घरानों के लड़के लड़कियाँ आते हैं। मुझे एहसास कमतरी होता था इसलिए मैंने ये सब कुछ वहां मशहूर कर रखा था। आपके इसी लाड प्यार की वजह से वो इतना बिगड़ गया। जब मैंने मना किया था कि वो घर से बाहर नहीं जाएगा फिर क्यों गया? क्योंकि इस वक्त अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगा तो मुझ पे सेल्फ डिफेंस का मुकदमा बनेगा और उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तुम जैसे घटी आदमी से इसके अलावा और क्या बात की जा सकती है? उसके गर्दन पे तुमने बाजू इस तरह डाला हुआ था कि शर्म आती है मुझे। फायदा यकीन करो, पब्लिक प्लेस पे अगर मैं तुम्हारे गले में इस तरह बाजू डालूं तो मुझे भी शर्म आएगी। मेरे सपने ना चुरा। मेरी बातें इसके कानों में पिघला के डाल दे और अगर चूचरा की ना इसने तो मैं इसको जान से मार दूंगा। समझा ले इसको। अम्मी, चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल चुप। ये हैं आपके लाडले बेटे के करतूत? आप तो मुझसे कहती थी कि हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है। मेरी उन लोगों के सामने बेइज्जती हुई है जो रैंक में मुझसे बड़े होने के बावजूद मेरी रिस्पेक्ट करते थे। हमेशा हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारी। कभी किसी से रिश्वत नहीं ली मैंने, कभी किसी को तंग नहीं किया। जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें हलाल रोटी खिला सकूं। बिगड़ ना चाहो तुम कहीं, लेकिन आज मुझे पता चला ये सब कुछ बेकार था। क्या समझती हैं आप? वो मामूली केस था, एक दामे कत्ल का मुकदमा है इस पर। वो तो समर अच्छा लड़का है और स्टाफ के लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं इसलिए छोड़ दिया इसको। पहली बार जिंदगी में मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। क्या सोचा था मैंने कि डिप्लोमा कर लेगा, उसके बाद सीएसएस का एग्जाम दिलवाकर मैं अपने ही डिपार्टमेंट में आला औहदे पर इसको फाइज करवाऊंगा और जब मैं इसको फखर से सल्यूट कर रहाऊंगा तो उस वक्त मेरा दिल बाश बाश होगा, खुशी से झूम उठेगा। लेकिन नहीं, मेरे ख्वाबों की तुम्हें क्या परवाह? कोई परवाह नहीं तुम्हें, तुम्हें तो सिर्फ लड़कियों के दुख लगे हुए। बस करो फराज, बस करो। देखो तुम, वो अपने किए पर कितना शर्मिंदा है। शर्मिंदा? ऐसे होते हैं शर्मिंदा चेहरे? और फिर क्या फायदा आप शर्मिंदा होने का? इज्जत का तो कबाड़ा निकल गया है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तुम, आज तो मैं तुम्हें छुड़ा लाया हूं सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजह से, कि अम्मी को कोई तकलीफ ना हो। अगर आइंदा तुमने कुछ किया ऐसा तो अम्मी, मैं आपसे कह देता हूं इसकी तकलीफ में दो आंसू बहा लीजिएगा, हम समझेंगे ये हमारे लिए मर गया।
मैंने कहा है ना कि उसकी तबीयत खराब है, वो सो रही है। खुदा हाफिज। आप ही किसका फोन था? सबीन का। तो आपने मेरी बात क्यों नहीं कराई? कोई जरूरत नहीं है। आप ही क्या आप भी यही चाहती हैं कि मैं मंसूरी साहब से शादी कर लूं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है आयला? तुमने जफर को ये फैसला करने पे मजबूर किया है। अगर तुम ऐसी वैसी हरकत ना करती तो मैं अपनी बात पर कायम रहती। लेकिन मैं अपने बाप की उम्र के आदमी से कैसे शादी कर सकती? और सबसे अहम बात यह है कि मैं समर से मोहब्बत करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूँगी। देखो आयला, तुम मेरी सिर्फ छोटी बहन ही नहीं, मम्मी पापा की आखिरी निशानी भी हो। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं किसी भी तरह से तुम्हारी शादी समर से करवा दूंगी। उससे कहो कि मुझसे जफर की गैर मौजूदगी में आकर मिले। थैंक यू। अभी बिजनेस की बात तो बहुत हो गई मंसूरी भाई, मैं एक खास काम से आया था आपके पास। मेरे घर पे खाने की दावत है, आपने आना जरूर है। अच्छा। हाँ, इस वीकेंड पे एक गेट टुगेदर का इंतजाम किया है मैंने, बड़ा मजा आएगा। नहीं, मजा तो यकीनन बहुत आएगा। कैसे मैं बात यह, आजकल मसरूफियत कुछ इतनी ज्यादा है कि कहीं जा ही नहीं पा रहा। कई दिनों से आप यकीन नहीं करेंगे, क्लब तक नहीं गए। अरे मंसूरी भाई, इतनी बड़ी दावत नहीं है, ये दो चार दोस्त नहीं है अपने लोग, वो आएंगे। अपना आपके वो शम्स भाई भी आ रहे हैं क्या? हाँ, वो अपना रात में ना ब्रिज भी खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ऐसा है कि मैं कोशिश करूँगा, आने का वादा नहीं है लेकिन कोशिश का वादा करूँगा। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आना जरूर है, कोशिश करना। अभी मैं चलता हूँ, इजाजत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जफर भाई, मेरे काम का ध्यान में जरूर रखना क्या? अरे बिल्कुल फिक्र ना करें कासम भाई, आपकी शिपमेंट लेट हो नहीं सकती जी। मेहरबानी, आदमी बहुत अच्छा है क्या? हाँ जफर भाई, आप भी आओ ना वीकेंड पे मंसूरी भाई के साथ। ठीक है जी, कोशिश करूंगा। बड़ा मजा आएगा। कोशिश करूंगा जी। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी मैं चलता हूँ। कासिम भाई के असाइनमेंट बिल्कुल वक्त पे तैयार होनी चाहिए। ये पार्टी बहुत अच्छी है और ये लोग बहुत पंक्चुअल हैं, अगर हमने वक्त पे इन्हें सामान ना दिया ना तो समझो ये पार्टी हाथ से गई। नहीं सर जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अच्छा हाँ, वो क्या मीटिंग से पहले कह रहे थे कि बात करते हैं उनसे। हाँ वो सर जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं छोटा सा बंदा हूँ जी और आपकी दी हुई रोटी खाता हूँ जी। जरूर बातें करते हो, रोटी देने वाला अल्लाह है और जो खाते हो भाई वो तो अपनी मेहनत का मुआवजा लेते। नहीं सर जी, वो मैं चाह रहा था कि अगर आज आप शाम की चाय हमारे घर पे मेरे साथ पी लें तो हमें बड़ी खुशी होगी सर जी। इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है, मतलब तुम कुछ खिलाने को ही कह रहे हो ना, खाने को तो नहीं कह रहे। हाँ जरूर आएंगे भाई ना। सर जी वो आपके शायान शान तो नहीं है जी, पर वो फायदा जो है ना जी, मेरी भी समोसे बड़े जबरदस्त बनाती है। यकीनन बनाती होंगी भाई, खाना खाया उनके हाथ का अब समोसे मुझे यकीन है बहुत अच्छे होंगे, मैं जरूर आऊंगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी सर जी। ठीक है, मैं तुम्हारा पैगाम कल ही समर साहब तक पहुंचा दूंगी। ओके सबीन, प्लीज उन्हें अच्छी तरह सारी सूरत हाल बताना, उनसे कहना कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, अगर उन्होंने कोई मजबूत कदम नहीं उठाया तो मुझे और आप ही को जफर भाई के फैसले के आगे सर झुकाना पड़ेगा। तुम बेफिक्र हो जाओ,
मैं उन्हें सब समझा के भेजूंगी। अगर वो उस्ताद है ना तो हम भी उनसे कम नहीं। सबीन, तुम्हें लगता है कि सफर भाई मान जाएंगे? ना मानने की कोई वजह नजर तो नहीं आती, लेकिन मेरी राय यह है कि तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। अगर तब भी सफर भाई जबरदस्ती करते हैं तो वो कानूनी तौर पे भी गलत है और शरई तौर पे भी। ये सब तो मुझे भी पता है, मगर पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगता है कि जो कुछ मैंने सोचा है वैसा होगा भी या नहीं। इंशाल्लाह वैसा ही होगा पगली, जैसा तुम चाहती हो। सच्ची मोहब्बत की है ना, मोहब्बत तो पत्थर को भी मोम कर देती है। सफर भाई सिर्फ ऊपर से ही सख्त है, तुम परेशान नहीं हो। भाई, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? भाई मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। जानता हूँ आपको मेरी वजह से बहुत एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन भाई सीरियसली आपको आज के बाद मेरी जात की वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मुझे माफ कर दे। शहरी, बिल्कुल बच्चों की तरह पाला है मैंने तुम्हें। अगर मैं तुम्हें डांटता हूं तो तुम्हारी भलाई के लिए डांटता हूं, फिर तुम्हारे बात समझ में आ गई, इससे बड़ी बात और क्या होगी। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने खुद आकर मुझसे माफी मांगी। इसका मतलब है आपने मुझे माफ कर दिया भाई? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंस्टीट्यूट जाओगे, इसलिए कि एक दो दिन में आपको इंस्टीट्यूट में चेंज करवा रहा हूं, और जब तक के लिए आप घर में रहेंगे। सुन लिया? जैसी आपकी मर्जी भाई। गुड बाय, चलो जाओ काम करो। थैंक यू। आए सर जी, आए जी, आए। आए सर जी, तशरीफ रखे जी। हाँ, थैंक यू सर जी। आप बैठे, मैं जरा फैजा को बुला के लाता हूँ। फैजा, बोलो जी। फैजा तो खुद ही आ गए जी। भाई सर जी आए हैं। वालेकुम सलाम भाभी, आप तो सर न कहें भाई, आप मेरी एम्प्लॉय थोड़ी हैं। बैठिए भाई साहब। अच्छा भाई, वो सर जी के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, तुमने जो इंतजाम किया ना जल्दी से ले आओ। नहीं 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 भाभी, कोई मसला नहीं है, मैं जफर के लिए वक्त निकाल के आया हूँ, आज मेरी कोई मसरूफियत रखी नहीं। इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज आप घर पर आएंगे, मैं चाय लेकर आती हूँ। वाह सर जी, ये है हमारा गरीब खाना जी। अच्छा है, बट आई थिंक यू डिजर्व बेटर। महाराज जी, जो भी है, कम से कम घर तो है ना। हम तो जहाँ रहते हैं वो तो एक खाली मकान है, बिल्कुल तन्हा मकबरे की तरह। मैं भी क्या बात ली बेटा, असल में तुम्हारे घर आके आज एक जमाने बाद एहसास हुआ है अपने घर की तन्हाई का। तो सर जी, ये भी आपका अपना ही घर है जी, जब दिल करे आया करें आप। देखे ना, फायदा तो आपको भाइयों की तरह ही समझती है।
अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। वो आयला कहाँ है, नज़र नहीं आ रही, क्या घर पे नहीं? नहीं सर जी, वो मेरा ख्याल है कि उसकी तबीयत को ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी। अच्छा अच्छा हाँ, शायद तबीयत की वजह से वो दफ्तर भी नहीं आई आज। हाँ जी 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 जी, ओ लो जी चाय आ गई और समोसे जी, वो देखो फैजा ने अपने हाथ से बनाए जी। आए जी, आए सर जी, आए जी। चलें फिर, कल आप लोगों से लैब में मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। वो सर बात ज़रा प्राइवेट है। सर वो आयला के घर वालों ने उस पर पाबंदी लगा दी है। क्यों? सफर भाई ने आपको और आयला को एक साथ घूमते हुए देख लिया था। बहुत बुरा हुआ ये तो। अब क्या होगा? मुझे क्या पता सर। आइए आइए साहब, आज आपने बे टाइम कैसे याद कर लिया हमें। मेरे पास आपके लिए एक अमानत है। अमानत? कैसी अमानत? हाँ, ये 10 लाख रुपए का चेक आपके लिए। हाँ जी, दस मेरे लिए ये क्या है साहब? ये तो आप बॉस से पूछिएगा। हमें तो ऑर्डर थे कि आपके लिए कैश का चेक बना दिया जाए, सो हमने बना दिया। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, अच्छा। Thank you very much. My pleasure. तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस तरह के फैसले इतनी जल्दी नहीं किए जाते सभी। क्या मतलब सर, आप आयला से शादी के लिए तैयार नहीं है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। देखो मेरे डैडी हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी भी रजामंदी बीच में शामिल हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे और आयला के दरमियान अभी होना बाकी हैं। मैं नहीं चाहता कि बाद में मुझे और आयला को इस फैसले पे को पछतावा हो। यानी कि आप ज़हनी तौर पे शादी के लिए तैयार नहीं हैं? मैं वाकई चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आयला मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानती हो, उसको सब कुछ पता हो, वो सब कुछ जानने के बाद फिर वो फैसला करे। तो फिर इसका हल क्या है? एक बार आयला की सिस्टर से मुलाकात से पहले अगर तुम आयला को मेरे घर ले आओ तो तन्हाई में बैठ के हम सारी बातें जो हैं वो क्लियर कर लेंगे। आई बी सो ग्रेटफुल टू यू कि तुम अगर ये फेवर कर दो तो।
ओके सर, मैं आला से बात करती हूँ। वेरी कॉमन सर जी। हाँ देखो राव, हाँ हाँ मैं नहीं कहा तुम्हें मुझसे। क्यों सर? तो भाई तुम्हें अब इसकी जरूरत है ना, अब तुम इतना लाइफ स्टैंडर्ड जरा हाई करो। मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी। लेकिन सर ये तो बहुत ज्यादा है। कोई ज्यादा नहीं, देखो देखो ये तुम मुझे अपना नहीं समझते। हाँ सर जी समझता। हाँ ये वो हमारे उस रेफरेंस वाले बंगले की चाबी है जिसमें फॉरेनर गेस्ट ठहराते हैं ना, तो वहाँ शिफ्ट हो जाओ। भैया आखिर तुम मेरे हमजुल्फ बनने जा रहे हो। लेकिन सर जी चाबियाँ पकड़ो और जाओ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जाके शिफ्ट होने की तैयारी करो। मैंने कहा था ना सर जी छूंगा मैं भी पुण के रह दिए ना सर जी। सबीन कह रही थी कि आपने आज अपने माजी से मुतालिक कोई बात करी। कोई बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं बताना। मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम एक बार इस घर को अच्छी तरह से देख लो जहां तुमने शादी के बाद रहना है।
समर, मुझे आपके साथ रहना है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे मुझे झोपड़ी में रखें या महल में, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। इतना चाहती हूँ मुझे? अपनी रूह की गहराई से। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब तो फिर आज ही घर चले मेरे साथ, आप ही ने हमारे लिए कुछ सोचा था। क्या कर रहा हूँ? सिर्फ तुम पे अपनी मुहर तो लगा रहा हूँ। समर, ये ठीक नहीं है। अरे क्या ठीक नहीं है, शादी कर रहे हैं। समर, छोड़ो। किस बात का नखरा? जब कह रहा हूँ कि शादी कर रहे हैं तो किस बात का नखरा? क्या हुआ इसको? शिराज, मैंने ये शायद समर को मार दी है। ये जिंदा है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये होश में आ जाएगा, हमें जाना चाहिए। सपने ना चुरा। आयला अभी तक घर नहीं पहुंची है, 4:15 बज रहे हैं, 6:30 बजे तक जफर आ जाएंगे। अगर वो जल्दी आ गए तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। हेलो हेलो समर साहब, मैं समीन बात कर रही हूँ। बोलो। वो आयला अभी तक घर नहीं पहुंची। तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखो। कुछ नहीं, आहट सुनी तो दरवाजा खोलने आ गई थी। दरवाजा तो पहले खुला हुआ। मुझे ख्याल ही नहीं रहा। चाय लाऊं आपके लिए? चोरी चोरी चुपके से क्या आयला और समीर समर के घर से भाग सकेंगे? चोरी चोरी सपने दिल में जगाए, चुपके से नींदों में आए साथिया ना सता, मेरे सपने ना चुरा। चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए, चोरी चोरी सपने दिल में जगा।
की कहा।